टीन एज में एक टाइम पे मेरे फेस पे इतना ऑयल था कि अरब कंट्रीज मुझसे तेल खरीदती थी, ज़्यादा हो गया। हाय गाइस, मेरा नाम है वरदान और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इस ऑयली स्किन की जो प्रॉब्लम है ये क्यों होती है, इसकी ट्रीटमेंट क्या है, प्रिवेंशंस क्या क्या हैं, सारी बात करेंगे। और ये जो ऑयली स्किन की प्रॉब्लम है ना, मुझे मेरे टीनेज में बहुत होती थी यार, लेकिन मैंने इसे ठीक करा है, खुद ही ठीक करा है मैंने इसे। और अगर तुम जानना चाहते हो कि कैसे मैंने ठीक किया तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। और एंड में मैंने एक ज़बरदस्त चीज़ बताई है जो कि मतलब बहुत अच्छे से काम करती करती है। मतलब मेरे को तो सबसे ज़रूरी मतलब मेरे यही था, जो मेरी ऑयली स्किन का ऑयल कंट्रोल हुआ, जो मेरा फेस नॉर्मल हुआ, ऑयल आना बंद हो गया फेस पे इतना ज़्यादा, वो इस चीज़ से जो है ज़्यादा हुआ है। आई थिंक मुझे लगता है 60-70% जो है इस चीज़ से हुआ है, तो वो मैं एंड में बताऊँगा कि क्या था। तो शुरू करते हैं कॉजेज़, यानी कि कारणों के साथ कि ये क्यों होता है। हमारे पोर्स के अंदर सेबेशियस ग्लैंड होता है जो कि ऑयल प्रोड्यूस करता है हमारी स्किन को हेल्दी रखने के लिए, हाइड्रेट रखने के लिए। लेकिन कई बार कुछ प्रॉब्लम की वजह से ये ज़्यादा ऑयल प्रोड्यूस करने लग जाता है, इस वजह से हमारी स्किन पे ज़्यादा ऑयल दिखता है और हमारी स्किन ऑयली बन जाती है। और ये होता है इसलिए क्योंकि या तो तुम्हारा स्किन केयर अच्छा नहीं है, लाइफस्टाइल अच्छी नहीं है, डाइट अच्छी नहीं है, या हार्मोनल चेंजेस की वजह से भी होता है ये, और या तो जेनेटिक प्रॉब्लम भी होती है ये। अगर ऑयली स्किन तुम्हारे जेनेटिक्स की वजह से या हार्मोनल चेंजेस की वजह से हो रही है तो मैं सजेस्ट करूंगा कि किसी अच्छे डर्मेटोलॉजिस्ट को जाके दिखा लो। बट उससे पहले एक मंथ ये चीजें जरूर करो जो मैं बता रहा हूं इस वीडियो में, क्योंकि मेरे लिए काम करी हैं ये चीजें बहुत। तो अब जान लेते हैं प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट क्या क्या है इसकी। तो नंबर वन ये है कि अपने फेस को बार बार मत धो। मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा जो ऑयली स्किन है तो उसको उससे छुटकारा पाने के लिए अपने फेस को बार बार साफ करते रहते हैं, तो ये नहीं करना है। इससे जो है ज्यादा हमारे जो स्किन है वो ज्यादा ऑयल प्रोड्यूस करती है। सिर्फ दो बार जो दिन में है, सिर्फ दो बार ही अपने फेस को वॉश करना है, एक सुबह के टाइम पे, एक रात के टाइम पे, बस। नंबर टू है हम कैसे भी फेस वॉश या कैसे भी साबुन से अपना मुंह धो लेते हैं, जो कि नहीं करना चाहिए। तुम्हारी अगर ऑयली स्किन है, ऑयली स्किन के लिए स्पेशल ऑयली स्किन वाला फेस वॉश आता है, मैं नीचे लिंक दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन पे, जाके चेक कर लेना। और नंबर थ्री है कि पानी, पानी पीना बहुत ज़रूरी है। हम लोग पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं पीते हैं तो हमारी ऑयली स्किन तो बनेगी ही ना, क्योंकि हमें पानी, जब हम हाइड्रेट रहेंगे तभी जाके हमारी स्किन, बाल, हमारी हेल्थ ओवरऑल बहुत अच्छी रहेगी। और हम लोग पानी नहीं पीते हैं, बहुत लोग मैंने ऐसे देखे हैं जो पानी नहीं पीते हैं, जब प्यास लगती है तभी पानी पीते हैं। अपनी एक बॉटल ले लो, अपने साथ रखो उस बॉटल को और पानी पीते रहो। 2 लीटर मिनिमम पानी पीना है हमें हर रोज़। नंबर फोर है प्रॉपर स्किन केयर नहीं करते हैं हम तो भी हमें ये इशू आता है। तो प्रॉपर स्किन केयर करना बहुत ज़रूरी है, स्पेशली लड़कों को, क्योंकि लड़कियां तो फिर भी कर लेती हैं लेकिन लड़के नहीं करते हैं। और कैसे करनी है स्किन केयर, इस वीडियो में मैंने बताया, ऊपर आई बटन में लिंक दे रहा हूँ, ठीक है, और डिस्क्रिप्शन में भी ये वीडियो डाल रहा हूँ, जाके चेक कर लेना इस वीडियो के बाद। फिफ्थ है फेस मास्क यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। फेस मास्क नहीं लगाते हैं लड़के तो काफ़ी स्किन केयर नहीं करते हैं, फेस मास्क लगाना बहुत ज़रूरी है। मुल्तानी मिट्टी लगा सकते हो अपने फेस पे, लगा के 20 मिनट रख के फिर उसको वॉश कर सकते हो, हर दूसरे दिन लगा सकते हो मुल्तानी मिट्टी। और लेमन प्लस हनी बहुत इफेक्टिव है, लेमन प्लस हनी अपने फेस पे लगाओ और उसको 20 मिनट रखो और फिर वॉश कर दो। और रात के टाइम पे एलोवेरा लगा सकते हो अपने फेस पे और सुबह वॉश कर सकते हो। तो ये तीन चीज़ें ज़रूर करना, ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव लगती हैं मुझे, क्योंकि मेरे को फ़र्क आया है इनसे, तो यूज़ करके देखना। 6th पॉइंट, हम टोनर और मॉइस्चराइज़र के बारे में तो भूल ही जाते हैं। लड़के लोग तो स्पेशली मतलब उनको तो कोई परवाह नहीं होती, बस मुंह धो लिया एक बार और चलो, ऐसा नहीं करना चाहिए। ऑयली स्किन के लिए भी, नॉर्मल स्किन के लिए भी, सभी के लिए हमको एक टोनर अच्छा और एक मॉइस्चराइज़र जो कि ऑयली स्किन के लिए होता है वो यूज़ करना चाहिए। नीचे लिंक दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, जाके चेक कर लेना कौन सा वाला है। तो अब बात कर लेते हैं हमारे बोनस टिप की। जो बोनस टिप है हमारा सबसे मेरा फेवरेट और जिसने मेरे को रिजल्ट ला के दिया है, जिसने मेरी स्किन जो ऑयली थी वो बिल्कुल नॉर्मल कर दी है, वो ये है कि अच्छा खाओ, यानी कि हेल्दी खाओ, साफ फूड खाओ और जंक फूड, ऑयली फूड को बंद कर दो। ये सबसे बड़ी टिप है और यही करने से रिजल्ट आने लग जाएंगे। बाकी चीज़ों से रिजल्ट इतने ज़्यादा इफेक्टिव नहीं आएंगे जितना इस चीज़ से आएंगे, क्योंकि ये डिपेंड करता है कि हम लोग क्या खाते हैं, वो हमारे चेहरे पर दिखता है। कभी तुमने देखा है कोई बहुत नशेड़ी बंदा है, बिल्कुल मतलब सिगरेट सुगरेट पूरा एकदम नशे में रहता है, उसके फेस पे क्या ग्लो आ रखा है? किसी को देखा है कोई मतलब किसी इंसान ने से कहा वाह यार ये तो इतने नशे करता है, क्या बाप रे इसके तो चेहरे पे कितना ग्लो है, कितनी सिगरेट फूंकता है लेकिन फिर भी ग्लो है, ऐसे कभी सुना है? नहीं सुना ना, क्योंकि जो चीज़ हम लोग इनटेक करते हैं, जो चीज़ हम लोग खाते हैं वो चीज़ हमारे फेस पे दिखती है। इसलिए हेल्दी फूड खाना शुरू करो और जंक फूड को कम कर दो। बंद तो नहीं कर सकते मेरे को पता है, बट कम कर दो, हफ्ते में एक दिन खा लिया करो, क्योंकि मैं भी हफ्ते में एक दिन खाता हूँ, एक टाइम पे खाता हूँ, ठीक है, क्योंकि
ऑब्वियसली बात है, हमें टेस्ट भी तो देखना है। तो हफ्ते में एक दिन बहुत है, ये चीज़ करो। अगर तुम्हारे ऐसा शेड्यूल है कि डेली तुम जंक फूड खाते हो, धीरे धीरे कम करो, धीरे धीरे छोटे छोटे स्टेप्स लेके करो। एकदम से नहीं होगा बंद, एकदम से करने की कोशिश मत करना। तुम लोग कहोगे मैं बकवास मारता हूँ इसलिए डिसलाइक मार के चले जाओगे, ऐसा मत करना जंक फूड खाने वालों। प्लीज़ मेरे हाथ जोड़ के विनती है, तुम हफ्ते में एक दिन जंक फूड खा सकते हो और धीरे धीरे इसको कम करो। सो मैंने बता दिए अपने जो भी सीक्रेट हैं, जो भी टिप्स ट्रिक्स हैं कि कैसे तुम अपनी ऑयली फेस को जो है क्लीन कर सकते हो। टीनेज में मुझे भी प्रॉब्लम हुई और मेरे को इन चीज़ों ने बहुत फ़र्क दिलाया है। अगर तुम्हें फिर भी लगता है कि यार मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है और इन चीज़ों से ठीक नहीं हो रही, तो किसी एक अच्छे डर्मेटोलॉजिस्ट को जाके दिखा लो। मैं ऐसी सेल्फ इंप्रूवमेंट वाली वीडियोस बनाता हूँ, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो ऐसी वीडियोस और देखने के लिए। लाइक बटन भी ज़रूर दबा दो, थोड़ा मोटिवेशन मिलता है। और डेली सेल्फ इंप्रूवमेंट वाली शॉर्ट वीडियोज़ के लिए मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, यहाँ आ रहा होगा हैंडल इंस्टाग्राम का। और ऐसी वीडियोज़ देखनी है ये वाली हैं, इनको चेक करो। तब तक के लिए मैं चलता हूँ गाइस, बाय। Bye.